हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, बेसिकली कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो C++ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉपिक्स हैं, जिनमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होता है, कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए, हमेशा समझे हुए होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आता है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्टर्स, और इसके बाद हम डिस्ट्रक्टर्स करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में कंस्ट्रक्टर से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर्स होते क्या है। तो देखिए, नाम ही इनका कंस्ट्रक्टर्स, अगर आप इसका हिंदी में भी मीनिंग निकालिएगा तो आप समझ जाइएगा कंस्ट्रक्टर्स का मतलब होता है वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करने वाला, यानी कि कंस्ट्रक्ट करने वाला। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने आपको बताया है, अगर आप पूरी वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि अगर जैसे आप यहां लिखते हैं int a एंड इक्वल्स 5, आप यहीं पे देखिए क्या करते हैं, इस एक लाइन में ही आपने एक a नाम का वेरिएबल बनाया और इस एक a नाम के वेरिएबल में आपने वैल्यू भी डाल दिया। मतलब वेरिएबल बना और वेरिएबल बनने के साथ ही साथ इसमें क्या हो गया, वैल्यू भी आ गया। तो ये होता है बिल्ट इन डेटा टाइप। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप यानी ये ऑलरेडी पहले से बने बनाए आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। C++ में हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट, है ना। क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये जो है वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी हम बनाते हैं ये, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है, जैसे मान लीजिए आपने एक एबीसी नाम का क्लास बनाया, तो उसका आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डबल ए, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं एबीसी टाइप का डबल इक्वल टू 5? अभी तक आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए, बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी तक जो भी पढ़े हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो अगर आपका, आप कहते हो कि नहीं, जो भी फीचर्स मेरे बिल्ट इन डेटा टाइप में है वो सारे के सारे फीचर्स मैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में भी डालना चाहता हूं, तो आपको जैसे आप यहां वेरिएबल बनाते हैं और ठीक वैसे ही वैल्यू को असाइन कर देते हैं, वैसे ही आपको कोई एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाइए, उस ऑब्जेक्ट के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं, यानी ऑब्जेक्ट में जो आपने वेरिएबल्स स्टोर किया है, वो खुद ब खुद क्या हो जाए, किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाए, जैसा कि बिल्ट इन डेटा टाइप में होता है। और उसी कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं किसका, कंस्ट्रक्टर्स का कॉन्सेप्ट। उसी चीज को अचीव करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स आर, यानी कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेंबर फंक्शन, यानी ये जो होते हैं वो स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं, स्पेशल मेंबर फंक्शंस। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये मेंबर फंक्शन तो होते हैं, लेकिन यहां पे स्पेशल क्यों आया, आगे बताऊंगा मैं आपको। यहां पे हम पहले इसका डेफिनेशन क्लियर कर लें कि कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेंबर फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू, यानी इसका यूज किया जाता है, व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज, यानी क्या करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए जो है हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर्स का प्राइमरी यूज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही साथ, ठीक है, अभी तक आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इनपुट फंक्शन को कॉल किया, पहले ध्यान समझिएगा, इनपुट फंक्शन को आपने कॉल किया, आपने कहा डबल ए डॉट इनपुट, मान लीजिए डबल ए ऑब्जेक्ट है और आपने डॉट इनपुट किया, तो इस फंक्शन के जरिए या डबल ए डॉट गेट डेटा, आपने इस फंक्शन के जरिए फिर क्या किया, आपने इसके वैल्यूज को इनिशियलाइज किया, यानी आपको डबल ए के अंदर के वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए इनपुट नाम का फंक्शन बनाना पड़ा और उस इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ा, और तभी आप क्या कर पाए, तभी आप जो है इसके वेरिएबल्स, मतलब डबल ए के अंदर जो वेरिएबल्स थे उनको आप क्या कर पाए, इनिशियलाइज कर पाए। नहीं, अब हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि हमने वेरिएबल बनाया और बनाते ही उसमें वैल्यू चली जाए या डालने में हम सक्षम हो। तो वही चीज लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन में कि कंस्ट्रक्टर्स आर स्पेशल मेंबर फंक्शन। पहली चीज, ये मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज, जो जिसका यूज किया जाता है इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को, ठीक है, इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज होते हैं उनको। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें क्या क्या चीजें आप लिख सकते हैं। तो द मेजर पॉइंट्स
द मेजर पॉइंट्स अबाउट कंस्ट्रक्टर, अबाउट कंस्ट्रक्टर्स, यानी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स है, वो क्या क्या है। सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर है एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक वर्ड लगाया कि ये एक स्पेशल मेमोर फंक्शन है, तो अब आप पूछ सकते हो इसे स्पेशल मेमोर फंक्शन क्यों है, तो उसका जवाब ये है फर्स्ट पॉइंट, अ कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम ऑफ द क्लास नेम, या लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स नेम इज सेम एज द क्लास नेम, सेम एज द क्लास नेम, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली एक फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर का एक फंक्शन है, तो फंक्शन का जो एक नाम होता है वो नाम जो होता है वो बिल्कुल जो क्लास का नाम आपने दिया है ना बिल्कुल वही होता है। यानी कि अगर आपने क्लास का नाम दिया एबीसी तो आपके कंस्ट्रक्टर का भी नाम जो होगा वो क्या होगा एबीसी ही होगा, राइट। सो ये फर्स्ट टॉपिक था, मतलब फर्स्ट पॉइंट था। नाउ सेकंड क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर, जैसे आप फंक्शंस में वेरिएबल्स को मतलब वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हो, वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को क्या करता है मंजूरी देता है, मतलब आप इसमें भी जो है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, तो मतलब लेकिन वो तीसरा लिखेंगे। वो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है स्पेशल मेमोर फंक्शन क्यों है, उसका जवाब पहला क्योंकि इसका नाम जो होता है वो बिल्कुल क्लास नेम के जरिए होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, अ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, इन्वोक मतलब कॉल करना, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड यानी ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है, एज सून एज यानी जैसे ही, एज सून एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड, यानी कि बड़े ध्यान से मुझे इस टॉपिक को, एक कंस्ट्रक्टर जो है यानी कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इन्वोक का मतलब क्या होता है कॉल हो जाता है, एज सून एज जैसे ही एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड, जैसे ही इसके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब आप अभी तक जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन जैसे ये इनपुट फंक्शन है तो आपको उसको कॉल करना पड़ता है, कॉल करेंगे तभी तो एग्जीक्यूट होगा, अगर कॉल नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो पता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर स्पेशल क्यों है, क्योंकि पहली चीज इसका नाम जो होता है सेम एज क्लास नेम होता है, और दूसरा ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है जैसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो इस क्लास का, यानी कि मान लो एबीसी क्लास में अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर रखा था, मान लो बनाया था, अभी आप कैसे बनाओगे भूल जाओ, आपने एबीसी नाम के क्लास के अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्टर रखा था, तो जैसे ही आप एबीसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे मान लो डबल ए, खुद ब खुद वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर भी तो एक तरह का फंक्शन है, देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ मेंबर फंक्शन, वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, और उसमें आप सिर्फ क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का काम करते हैं, अगर आप दूसरा कोई काम करेंगे तो फिर कंस्ट्रक्टर का काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कंस्ट्रक्टर का स्पेशल वर्क है, स्पेशली इसको बनाया गया है ताकि वेरिएबल्स की वैल्यू को, जो क्लास के अंदर के वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू को इनिशियलाइज किया जा सके, तो वही है हमारा सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड, यानी खुद ब खुद ये कॉल हो जाता है जैसे ही उस क्लास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, हर बार ऑब्जेक्ट बनेगा जैसे डबल ए बना कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, फिर आप एक और बना डबल बी बना फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, डबल सी बना फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, मतलब एवरी टाइम अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड हर बार कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये दो पॉइंट ऐसे मेजर पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, और इन्हीं के बेस पे कहते हैं कि ये एक सिंपल फंक्शन नहीं है बल्कि ये क्या है स्पेशल मेंबर फंक्शन है। नाउ द थर्ड वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आप बेसिकली जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं और रिटर्न टाइप भी होता है ना, लेकिन कंस्ट्रक्टर्स में रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, यानी कि इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो मतलब अ कंस्ट्रक्टर हैजंट एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, अ कंस्ट्रक्टर हैजंट एनी रिटर्न टाइप, यानी कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड यानी वॉइड भी नहीं, वॉइड आप जानते हैं ना लोग वॉइड क्यों यूज करते हैं, देखो आप यहां तक पहुंचे तो मैं यकीन करता हूं कि सी को तो कुछ कुछ जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो सी प्लस जो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ के आए होंगे, तो वॉइड का मतलब होता है नथिंग, आप फंक्शन में जब भी वॉइड यूज करते हो उसका मतलब आप ये बताते हो कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो वॉइड भी खुद एक जो होता है टाइप होता है, वॉइड भी खुद एक क्या होता है टाइप होता है जो बताता है कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कहता है कि भाई हम ऐसे बनाए गए हैं कि हम कुछ रिटर्न ही नहीं करेंगे, इवन वॉइड भी रिटर्न नहीं करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर फिर से एक स्पेशल मेमोर फंक्शन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कोई जो है वो रिटर्न टाइप नहीं होता, इट हैजंट एनी रिटर्न टाइप। थर्ड
फोर्थ ऑप्शन, देखिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो ये तीन याद रखिए मेजरली, चौथा और पांचवा अभी जैसे मैंने फोर्थ बताया आपको कि इसमें भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट का प्रोविजन होता है, कंस्ट्रक्टर अलाउज डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर अलाउज डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट, यानी ये क्या करता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट को अलाउ करता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट, राइट। अब एक चीज और है फिफ्थ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं ठीक है। अब देखिए ये तीन पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चौथा और पांचवा जो है वो याद होना चाहिए वाई का पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कि कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, यानी कंस्ट्रक्टर जो है वो इनहेरिट नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, यानी कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके किसके, सारे सारे कंस्ट्रक्टर्स के फीचर हैं, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे पांच पॉइंट्स तो यहां हो गए, चलिए छठा और सातवां पॉइंट मैं इस साइड लिखता हूं। तो एक चीज ये है कि कंस्ट्रक्टर्स को कभी भी, यानी कंस्ट्रक्टर जो कि एक फंक्शन है ऑब्वियसली आप जान रहे हैं स्पेशल मेंबर फंक्शन है, मैंने ये भी बता दिया क्यों है, तो आपको भी याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर को, यानी छठा पॉइंट जो है मेरा वो ये होगा कि कंस्ट्रक्टर को हमेशा आप पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स आर डिफाइंड इनसाइड पब्लिक सेक्शन, डिफाइंड इनसाइड पब्लिक सेक्शन, यानी जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन किए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि पब्लिक सेक्शन में ही क्यों डिफाइन किया जाता है, तो उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसके पब्लिक सेक्शन को ही क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है, आप जानते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ये सबसे बेसिक है नॉलेज, आपको पता ही होना चाहिए ठीक है। तो आप जानते हैं कि किसी भी क्लास का जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है उस क्लास के सिर्फ पब्लिक सेक्शन को ही एक्सेस कर सकता है। अब आपने कंस्ट्रक्टर बनाया तो अगर वो पब्लिक सेक्शन में होगा तभी तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, अगर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया है प्राइवेट में उस कंस्ट्रक्टर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट प्राइवेट वाली चीजों को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया तो लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, तो वाइपा में ही पूछते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टर्स को आपने प्राइवेट सेक्शन बनाया तो क्या होगा, बोलिएगा सर फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब कंस्ट्रक्टर को जिस चीज के लिए हमने बनाया है वो चीज फुलफिल होगा ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट उसको कॉल ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइजिंग नहीं हो पाएगी। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्टर्स जो है वो हमेशा पब्लिक सेक्शन के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ है कि ये कंस्ट्रक्टर जो वर्चुअल नहीं हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल, कैन बी वर्चुअल, इन कंस्ट्रक्टर जो है वो वर्चुअल नहीं हो सकते हैं। आप पूछेंगे सर वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल को हम बाद में देखेंगे, बस अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि अगर एमसीक्यू पूछता है कंस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल। तो ये सात पॉइंट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में ऐसे हैं जो आपको ऑल द टाइम हमेशा दिमाग में होने चाहिए। और इसके बाद कंस्ट्रक्टर्स को जो है अगर हम बात करें कि कैटेगरी कंस्ट्रक्टर्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो कंस्ट्रक्टर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट वन इज व्हाट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके। सेकेंड वन इज व्हाट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। एंड थर्ड इज व्हाट कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो मतलब इन C++ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकेंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड थर्ड वन इज व्हाट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये थियोरिटिकली मैंने आपको कंस्ट्रक्टर की पूरी इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में बता दिया, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में एक एक करके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।